नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, भिक्षुकों को रेस्क्यू करने का अब अभियान चलेगा। चौक चौराहों पर भिक्षु रेस्क्यू अभियान चलेगा। कोविड के समय से रेस्क्यू अभियान धीमा पड़ा है। शहर में 6 प्रकार के भिखारी घूम रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और उसके बाद ये असर अब हुआ है और अब इसके लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी जिस पर असर हुआ है। बता दें, भिक्षुकों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया जाएगा। चौक चौराहों पर भिक्षु रेस्क्यू अभियान चलेगा। ये भी आपको जानकारी दे दें कि कोविड के समय से रेस्क्यू अभियान धीमा पड़ा है और जिसमें गति लाने के लिए अब पहल सरकार की ओर से भी की जा रही है। शहर में 6 प्रकार के भिखारी घूम रहे हैं और इसी को लेकर के प्रमुखता से हमने खबर भी दिखाई थी, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद यह असर हुआ है। अब अभियान में तेजी लाने की बात कही गई। अभियान पहले भी चल रहा था पर कोविड की वजह से कहीं ना कहीं इसकी गति बहुत ज्यादा धीमी हो गई थी और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पर अब फिर से इस पर ध्यान देने की बात, गति तेज करने की बात सरकार की ओर से कही गई है। लगातार हम प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहे थे और अब इस तरफ सरकार ने भी ध्यान दिया। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने वायनाड के मुद्दे पर पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस को घेरा है। पोस्टर में कांग्रेस पर संवेदनशील समय में फोटो खिंचवाने के आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी से संस्कार सीखने की नसीहत भी दी है। तो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वायनाड मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है और साथ ही साथ नसीहत भी दी है, कहा है कि बीजेपी से संस्कार सीखे जाए। जगदलपुर में भारी बारिश की वजह से शहर का हाल बेहाल हो चुका है। बारिश की वजह से मुख्य सड़कें तालाब बन गई हैं, नदी नाले सभी जलमग्न हो चुके हैं। आने जाने वाले सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचली बस्तियों में बने घरों में पानी घुस चुका है। गलियों में घुटने भर पानी आने से स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जगदलपुर शहर में आधे घंटे की बारिश ने निगम की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। ये जगदलपुर का शहीद पार्क इलाका है। यहाँ पर आधे घंटे से जो बारिश हो रही है उससे पूरा एक तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। देख सकते हैं, जो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ डूब चुकी है, जो बाइक रखी वो भी पूरी तरह से डूब चुकी। तो कह सकते हैं कि ये जो जो बारिश है, इस बारिश को लेकर निगम भले ही दावा करता है कि हमने जो नाला है उसकी सफाई कर दी है, लेकिन इस आधे घंटे लगभग 40 मिनट की बारिश ने निगम की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले को दिक्कत काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नाला का जो गंदा पानी है वो सड़कों में आ गया है और इस सड़कों में आने से जो अब जो गंदगी है वो साफ देखी जा रही है। कह सकते हैं निगम भले लाख दावा करे कि जो बारिश मानसून से पहले सिस्टम सब उतार दिया गया है, लेकिन जो बारिश हुई है उस बारिश से जो वार्डों में जल भराव की स्थिति अब देखने मिलेगी, लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो बारिश ने जगदलपुर का हाल बेहाल कर दिया, बिगाड़ दिया। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। कोंडा गांव में लगातार बारिश अब मुसीबत बन गई है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका तरबतर हो चुका है। लगातार बारिश से लोगों के दिनचर्या के कामों में भी मुश्किलें आ रही हैं। लोगों को घर से ही काम करना पड़ रहा है और आपको भी बता दें, जब काम से लौटने का समय भी आता है तब भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। घर से बाहर निकलने में मुसीबत और जब घर से बाहर निकल लिया जाए तो आने जाने में मुसीबत। लगातार बारिश और उस वजह से जलभराव की स्थिति, जगह जगह गली मोहल्ले हर तरफ हम पानी ही पानी देख रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
रायपुर का जिक्र करेंगे। पार्षदों का बेंगलुरु और मैसूर का दौरा है। बता दें बेंगलुरु मैसूर दौरे पर रायपुर निगम के पार्षद हैं, नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे, दूसरी लागू नई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। एक हफ्ते तक करेंगे बेंगलुरु मैसूर का दौरा। रायपुर में सिस्टम लागू करने की कवायद अब हो रही है और इसे ही देखते हुए पार्षद जो हैं अब दौरा कर रहे हैं मैसूर और बेंगलुरु का। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर दौरे के दूसरे दिन मेगा पालक शिक्षक बैठक में शामिल हुए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बातचीत की और इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल पालकों और शिक्षकों से भी बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के मुद्दे पर चर्चा की। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बता दें बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। बता दें बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बयान भी दिया। 11 से 13 अगस्त तक अभियान चलेगा। सभी 24,000 बूथों पर 51-51 झंडे लगेंगे। अभियान में स्वच्छता अभियान को शामिल करेंगे। 14 अगस्त को विभाजन की विभिषिका पर चर्चा होगी। विभाजन त्रासदी की सत्यता लोगों को बताएगी। तो वहीं बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस की सोच देश को तोड़ने वाली रही है, इसीलिए उससे हर काम में नौटंकी नजर आती है। आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा योजना के माध्यम से जाकर तिरंगा लगाए जाने का काम किया जाएगा। ये तिरंगा लगाने पर इनको नौटंकी नजर आ रहा है, तो इनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं इनकी सदैव से देश को खंडित करने की रही है। और मैं इसकी तो निंदा करता हूं कि अगर नौटंकी तिरंगा लगाने को बोलते हैं तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं अब तेज होने लगी हैं। बदलाव की चर्चा के बीच कांग्रेस में हलचल भी बढ़ चुकी है। महासचिव केसी वेणुगोपाल से दीपक बैज मिले हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। प्रदेश कांग्रेस संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं तेज होने लगी है। कांग्रेस के कवायद पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के लोग बदलाव किस में करेंगे? कांग्रेस का कोई संगठन है ही नहीं है तो बदलेगा क्या कि जुड़ेगा क्या? आप देखते होंगे कि कांग्रेस में ना तो कोई अनुशासन है, ना तो कोई लोकतांत्रिक इनका संगठनात्मक ढांचा है, ना किसी प्रकार के इनका नियंत्रण है। धमतरी का जिक्र करेंगे। लापता बच्चे के शव के टुकड़े मिले हैं। घर से 300 मीटर की दूरी पर पहाड़ी पर ये अवशेष मिले हैं। कोरमोड़ गांव से गायब हुआ था 3 साल का मासूम। घर पर खेल रहा था बच्चे और इसी दौरान तेंदुआ उठा ले गया। शव के पैरों में पायल से पिता ने पहचान की। 36 घंटे की तलाश के बाद शव के अवशेष मिले। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी नहीं हटने और हादसों में कई मवेशियों की मौत को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को इसकी जांच कर 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशी की मौत के आंकड़े भी
कोर्ट में पेश की, जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस साल जनवरी से अब तक 73 हादसों में 55 लोगों की मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि रायपुर बिलासपुर मार्ग इस मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक है। साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसे स्थान हैं जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। हाईकोर्ट में प्रदेश भर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने नगरपालिका निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ऐसा ही सब खत्म हो जाएगा? अगर वाइल्ड लाइन को नहीं बचाएंगे तो ये गए काम से। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 21 हाथियों की मौत करंट लगने से हो गई, जबकि इस साल जून में सूरजपुर में एक हाथी बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे पोल झुक गया और दूसरे हाथी के करंट की चपेट में आने से मौत हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। रायपुर का जिक्र करेंगे। रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में यात्री फंस गए, कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट के प्रबंधन पर कई सारे सवाल भी अब उठने लगे हैं। स्टेशन पर आपको बता दें अफरा तफरी इस दौरान मच गई। लिफ्ट के भीतर लोग जो यात्री थे वो घबरा गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका था और कहीं ना कहीं उनकी सांस भी फूलने लगी थी। इसी वजह से कांच तोड़ना पड़ा, सभी को बाहर निकालना पड़ा। अब कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि ये लिफ्ट चालू हो सके और जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जा सके, या मेंटेनेंस में कोई लापरवाही या लंबे वक्त से मेंटेनेंस नहीं हुआ। ये तमाम वो पहलू हैं जो जांच पड़ताल के पहलू हैं, पर अब सुरक्षित सभी को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। ये जाँच का विषय है, जाँच पड़ताल इस पूरे ही मामले में जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर लिफ्ट में ये यात्री फंस गए। बड़ी संख्या में यात्री इसमें थे और काफ़ी देर तक ये फंसे रहे। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, किस तरह की लापरवाही यहां पर देख रही हैं? शुरुआती जाँच में क्या कुछ कहा जा रहा है? आखिर लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, बिजली की वजह से ये बंद हो गई, क्या हुआ था और कितनी देर तक यात्री इसमें फंसे रहे? बिल्कुल, देखिए जो स्टेशन है वो उसके लिफ्ट प्रबंधन पर इस पूरी घटना से सवाल उठता है और यात्री जो है अभी ट्रेन आई और उसके बाद यात्री खासतौर पे ऐसे लोग लिफ्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि बुजुर्ग जो हैं और जो लोग सर से चल नहीं पाते सीढ़ियाँ, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले ही वो परेशान रहते हैं शारीरिक रूप से। और अचानक से जो लिफ्ट है उसका दरवाजा नहीं खुला और करीबन काफी देर तक ये लोग परेशान रहे, 20-25 मिनट से ज्यादा, और ऐसे में जो यात्री है वो भी 10 मिनट करीबन वो इस तरीके से फंसे रहे और उसके बाद यात्री भी घबरा गए और उसके बाद जो है कांच तोड़कर पूरी व्यवस्था की गई और कांच तोड़कर यात्रियों को किसी तरीके से जो है वो बाहर निकाला गया। तो जाहिर तौर पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की लापरवाही जो है वो कैसे हुई, और जब इस तरह से लिफ्ट बंद हो जाती है तो एक तरह से कहें कि काफी खतरा भी बना रहता है, तो प्रबंधन किस तरह से किया जाता था, मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बारिश का एक बहाना बना दिया जाता है, लेकिन अब बारिश जो है वो ऐसा नहीं है, बारिश का मौसम भी चल रहा है, अचानक आनंद फानंद बारिश आ रही है, ऐसा नहीं, तो समय समय पर जो मेंटेनेंस करना चाहिए उस पर भी जो है सवाल उठ रहा है। अमूमन अगर देखेंगे तो आए दिन वहां पर ये दिक्कत भी रहती है कि लिफ्ट बंद है, तो खासतौर पर ऐसे भी बुजुर्गों को वहां पर काफी परेशानी होती है, और अगर इस तरह की स्थिति होती है कि लिफ्ट के भीतर फंस जाए यात्री तो सोचने वाली बात है, लेकिन उसको लेकर अभी प्रबंधन की अगर अभी रेलवे की तरफ से अगर हम बात करें, अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया नहीं है जी। बाकी यहाँ पे प्रबंधन की लापरवाही मान सकते हैं कि समय समय पर जो मेंटेनेंस होना चाहिए शायद वो नहीं होता, इसी वजह से ऐसी स्थिति बार बार निर्मित होती है, ऐसी दिक्कतें आती है। पर बड़ी बात है, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अंदर बुजुर्ग भी होंगे, कहीं कुछ हो जाता तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेता? फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर प्रदेश की सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग व्यापार करने आते हैं, इसके बाद भी यहाँ की सड़कें ऐसी हैं जैसे मानो ऊंट के पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हों। यहाँ की सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। हालांकि ऐसी स्थिति आज बनी है
ऐसा नहीं है। लंबे समय से इस ओर की सभी सड़कों का हाल ऐसा ही है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान जाती है। समस्या तो उद्योग में ये है कि शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि आज के डेट में भी औद्योगिक क्षेत्र सबसे पुराना है। भिलाई इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है, जब से यहाँ पर BSP आया हुआ तब से है इंडस्ट्रियल इस्टेट, लेकिन आज भी स्ट्रीट लाइट जैसे जो सुविधा होती है वो आज भी नहीं है। उसी तरह से कहीं पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, कहीं पर रोड का भी प्रॉब्लम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट होना चाहिए। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर डेंटल फ्लोरोसिस की समस्या के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सचिव और स्वास्थ्य विभाग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। 14 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के गाँवों में 2000 से ज्यादा लोग डेंटल फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं, वहीं 100 से ज्यादा छात्र भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। साल 2016 में जांच के दौरान यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने का पता चला था, जिसके बाद गरियाबंद जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ रुपए की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, जो कुछ महीने चलने के बाद बंद हो गए। अब प्रशासन ने प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बनाने की योजना बनाई है। गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से सांपों के घरों में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी कड़ी में कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र के जेडार गांव के एक घर में अजगर घुस गया। बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे अजगर एक ग्रामीण के घर में घुसा, जिसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची, अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। धमतरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, रेलवे ने अतिक्रमण पर चलवाया है बुलडोजर। बता दें स्टेशन परिसर में बने 8 मकानों को तोड़ा गया। बड़ी रेल लाइन के लिए नया स्टेशन का काम लगातार जारी है। लंबे समय से लोग जमीन पर किए हुए यहां पर कब्जा किया हुआ था, जिसे अब खाली कराया गया है। तो रेलवे ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। बिलासपुर में गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए जिला पुलिस ने बाइक पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया है। बिलासपुर के SP रजनेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर 34 बाइक पेट्रोलिंग यूनिट को रवाना किया, जो शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग बीच वाइज पेट्रोलिंग करेंगे और बाइक पेट्रोलिंग यूनिट किसी भी घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेगी। चेकिंग अभियान चलाकर बदमाशों की धरपकड़ भी करेगी। देश और प्रदेश सहित बस्तर के लिए नासूर बना नक्सली संगठन अब धीरे धीरे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस संगठन में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती थी, अब उस संगठन की महिलाएं मुख्य धारा में लौटकर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कभी जंगलों में डर कर घूमने वाली महिलाएं अब AK-47 लेकर जंगलों में बेखौफ घूम रही हैं, क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही हैं। दुर्गा और दंतेश्वरी फाइटर्स के नाम से बना महिला कमांडो दस्ता नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है। कभी सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर नक्सली संगठनों में काम करने वाली महिलाएं अब सरकार से जुड़कर काम कर रही हैं। बस्तर संभाग में 1200 महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ ही लोगों का विश्वास जीतने का काम कर रहा है। अभी नक्सल अभियान संचालित की जा रही है, उसमें अधिकतम अभियान में महिला बल भी शामिल है, जैसा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स,
सुकमा में दुर्गा फाइटर्स और अन्य जगह में भी हमारा डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जो महिला बल हैं जो सभी अभियान में एक प्रमुख उनका भागीदारी रह रहा है, जिस कारण से अभियान का परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक देखने मिल रहा है। साथ साथ जो सुरक्षा बल की जो भी कार्रवाई उसमें किसी प्रकार के जो प्रश्नचिन्ह भी नहीं उठ रहे थे, इस प्रकार जो महिला बल का काफ़ी एक अहम भूमिका सभी अभियान में देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में भी परिस्थिति के अनुरूप महिला बल को भी उनका बराबर मौका दी जाएगी। कोरबा के हरणमुड़ी गांव के अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिक्षिका की शिकायत की है। दरअसल मामला पाली ब्लॉक का है, जहां अभिभावकों ने स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ शिकायत की। शिक्षिका बच्चों की पढ़ाई का ख्याल नहीं रखते, साथ ही बच्चों के साथ अभद्रता करते हैं, जिस पर शिक्षिका ने कहा उन पर लगने वाले सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षिका ने खुद को बेबुनियाद बेकसूर बताया है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जाँच के आदेश भी दिए। और आइए